पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से भारत में घुसा टिड्डी दल राजस्थान के 12 जिलों में कहर बरपा रखा है। पिछले 9 महीने में ये करीब 7 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर फसलें ही क्या पेड़ों तक को चपेट में ले चुका है, लेकिन जिम्मेदार मैदान से गायब है और ज्यादातर जगहों पर ग्रामीण और किसान धुआं और थाली और डीजे बजाकर देसी तरीकों से इनको उड़ाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में 100 साल में टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। पिछले साल के 21 मई से लेकर अब तक किसानों की बर्बादी का सिलसिला जारी है। हैरान करने वाली ये स्थिति तब है जबकि प्रदेश में केंद्र ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एक विभाग भी बना रखा है। विभाग के कर्मचारी केवल खाली पड़त जमीन पर दवा का छिड़काव कर मौन है। ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये श्री गंगानगर की है। यहाँ टिड्डियों को काबू करने के लिए टिड्डी नियंत्रण दल की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है आप खुद देखिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, इसमें डिपार्टमेंट और किसानों का सहयोग और यूपीएल कंपनी लगातार टिड्डी दल नियंत्रण के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस पर काम भी किया गया। पाकिस्तान से बहुत बड़ा एक दल आया था जिसमें रावला क्षेत्र है उसी पर लगभग टिड्डियों का नियंत्रण कर लिया गया था, लेकिन कुछ हवा चली उस वजह से इनका मूवमेंट अनूपगढ़ क्षेत्र में हो गया था, लेकिन यूपीएल और किसानों के सहयोग से इसको नियंत्रण में लाया गया और कुछ ही अब तो मात्र 5 या 10% बची हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर जीआरजी मटोरिया, उपनिदेशक साहब और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडी साहब रामनिवास जी गोदारा लगातार प्रयासों से 8 दिन के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और टिड्डी का नियंत्रण किया है। आज 5 या 10% बची हैं। आज जहाँ इनका अंतिम ठहराव होगा वहाँ पर इसे भी नियंत्रण में कर लिया जाएगा। किसानों से विशेष अपील रहेगी कि मौके पर ड्रम की व्यवस्था अगर करते हैं तो इसे बहुत ही कम समय में इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। देखा आपने, यहाँ खुद नियंत्रण दल के कर्मचारी ये मान रहे हैं कि हमला काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी केवल छिड़काव के जरिए ही ये प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है। इनका मानना है कि सरकार और प्रशासन ने टिड्डियों को रोकने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बार 12 जिलों तक इनका फैला हुआ है, जबकि इससे पहले ये 3 से 4 जिलों तक फैलने के बाद ही काबू में कर लिए जाते थे। देश में 1964 से 2019 तक टिड्डी दल ने 19 बार हमले किए। हर बार अक्टूबर तक कंट्रोल कर फसलों को बचाया गया, लेकिन इस बार जनवरी बीत जाने के बाद भी टिड्डियों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इस बार पहले पीले परिपक्व टिड्डी दल ने हमला बोला और अब पिंक कलर के अल्प वयस्कों के रह रहकर हमले हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन का क्या जवाब आता है।